नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने निवेशकों की भावना को कमजोर कर दिया, ये याद दिलाते हुए कि फेड ने हाल ही में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद मौद्रिक नीति को कड़ा नहीं किया गया है। ऐसे में बिटकॉइन इस हफ्ते मोमेंटम बनाए रखने के लिए तैयार दिख रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में $17,670 पर ट्रेड कर रही थी, जो पिछले 24 घंटों में लगभग 0.5% कम है। नवंबर की इन्फ्लेशन डेटा के अप्रत्याशित गिरावट और फेड के एंटिसिपेटेड डॉविश टर्न के बाद बीटीसी पहले ही दिन में $18,300 से ऊपर था। लेकिन फेडरल ओपन मार्केट कमिटीज रेट अनाउंसमेंट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावेल ने अपने एक महीने लंबी थीम पर वापस आते हुए कहा कि बढ़ती कीमतें अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा पेश करती हैं। पावेल ने FOMC बयान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 50 बेसिस पॉइंट अभी भी ऐतिहासिक रूप से बड़ी बढ़त है और हमारे पास अभी भी कुछ रास्ते हैं। वहीं ईथर ने इस समान पैटर्न का पालन किया, जिसे मंगलवार से 2% नीचे जाते हुए उसी समय $1,290 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि 3 वर्ष का IC15 इंडेक्स 1.52% की गिरावट के साथ 25,900 पर ट्रेड कर रहा था। सैम बैंकमैन-फ्रीड के टॉप लेफ्टिनेंट्स में से एक ने बहामियन अथॉरिटीज को बताया कि फर्म के बहामियन अथॉरिटीज का इस्तेमाल उनके अलमीडा रिसर्च के इन्वेस्टमेंट फंड की बैलेंस शीट में खामियों को दूर करने के लिए किया गया था। बहामियन रेगुलेटर्स के साथ 9 नवंबर की कॉल में FTX डिजिटल मार्केट्स के को CEO रायन सलामी ने बहामा सिक्योरिटीज कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रिस्टीना आरोले को बताया कि हेज फंड के फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए FTX द्वारा संभावित रूप से आयोजित क्लाइंट एसेट्स को अल्मीडा रिसर्च में ट्रांसफर कर दिया गया था। रोले ने 11 नवंबर को बहामास के सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड एक कोर्ट डॉक्यूमेंट में लिखा, कस्टमर एसेट्स का ट्रांसफर FTX डिजिटल में नॉर्मल कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑपरेशंस के विपरीत था, जिसमें कंपनी के बचे एसेट्स कंट्रोल को जब्त करने के लिए रेगुलेटर के लिए इमरजेंसी इंटरवेंशन की मांग की गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो इस तरह के ट्रांसफर की अनुमति या उनके क्लाइंट्स द्वारा सहमति नहीं दी गई थी। रेगुलेटर के लिए सलामी की टिप्पणियों ने अब भी उन्हें बहामियन पुलिस को अलर्ट करने के लिए प्रेरित किया। कंपनी में अर्जेंट बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट की गई। पुलिस के लिए रिक्वेस्ट नोट में था कि सलामी 9 नवंबर को वॉशिंगटन DC में था। FTX DM को CEO ने अधिकारियों को बताया कि ट्रांसफर के लिए सिर्फ 3 लोगों के पास आवश्यक पासवर्ड थे, बैंकमैन-फ्रीड, निशांत सिंह और गैरी वैंग। दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन USDT के पीछे मौजूद कंपनी टेथर होल्डिंग्स PLC ने 2023 तक अपने रिजर्व में सिक्योर लोन्स को 0 से कम करने की योजना की घोषणा की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक हालिया आर्टिकल के जवाब में ये कदम उठाया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी का लोन प्रोडक्ट पूरे स्टेबल कॉइन मार्केट के लिए जोखिम पैदा करता है। टेथर ने कहा कि इसके सभी सिक्योर लोन्स ओवर कोलैटरलाइज्ड हैं और ज्यादा लिक्विड एसेट द्वारा कवर किए गए हैं। कंपनी ने कहा कि वह अपने ऑपरेशंस के बारे में किसी भी शक को खत्म करने के लिए अपने रिजर्व में सिक्योर्ड लोन्स को बंद करने के लिए कदम उठा रही है। फर्म ने कहा कि ये दृष्टिकोण इस साल क्रिप्टो इकोसिस्टम पर हुए हालिया हादसों को देखते हुए आइडियल है, जिसमें इंडस्ट्री में खिलाड़ियों की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाने के लिए कई स्टेक होल्डर्स को छोड़ दिया है। ब्लॉकचेन गेमिंग प्लेटफॉर्म फोर्टे अब स्टार्टअप वेंचर स्टूडियो सुपरलेयर के साथ साझेदारी के माध्यम से दूसरे वेब3 वर्टिकल्स तक पहुंच बनाना चाहता है। फोर्टे प्लेटफॉर्म गेम पब्लिशर्स के लिए ब्लॉकचेन तकनीकों को अपने टाइटल्स में शामिल करना आसान बनाता है, जैसे कि टोकन वॉलेट्स और नॉन फंजिबल टोकन ट्रांजेक्शन। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शर्तों के तहत प्रोजेक्ट्स के लिए फोर्टे सुपरलेयर का पसंदीदा क्रिप्टो पेमेंट और लिक्विडिटी सर्विसेज प्रोवाइडर होगा। बदले में सुपरलेयर फोर्टे के वर्टिकल एक्सपेंशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रदान करेगी। साझेदारी के साथ फोर्टे ने सुपरलेयर के $25 मिलियन फंडिंग राउंड में $5 मिलियन का योगदान दिया, जिसका लीड पॉलीगॉन ब्लॉकचेन ने किया है। सुपरलेयर इंक्यूबेशन के अपने दूसरे राउंड में कंपनियों को पैसा देगी। स्टार्टअप दूसरे राउंड में 8 से 10 कंपनियों को शामिल करने का इरादा रखती है, पहले से 7 से ऊपर, और कैपिटल हर एक कंपनी में प्री सीड इन्वेस्टमेंट प्रदान करेगी। बिटकॉइन माइनर क्लीन स्पार्क ने अपने साल के अंत 2023 हैश रेट या कंप्यूटिंग पावर गाइडेंस को 22.4 एक्सा हैश पर सेकंड से घटाकर 16 एक्सा हैश पर सेकंड कर दिया है, जिसमें इसके एक पार्टनर लैंसियम द्वारा माइनिंग फैसिलिटी के निर्माण में देरी का हवाला दिया गया है।
माइनर ने साल की शुरुआत में वेस्ट टेक्सस में 200 मेगावाट पावर कैपेसिटी के लिए एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लैंसियम के साथ साझेदारी की घोषणा की, जो भविष्य में एडिशनल 300 मेगावाट के ऑप्शन के साथ 6.6 एक्सा हैश पर सेकंड हैश रेट को ट्रांसलेट कर सकता है। हालांकि लैंसियम ने क्लीन स्पार्क को इन्फॉर्म किया है कि एक बयान के अनुसार कैपिटल की कमी ने अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित किया है। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट्स को 2023 के अंत या बाद में भी आगे धकेल दिया जा सकता है, जिसके वजह से माइनर द्वारा गाइडेंस में कटौती हो सकती है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट करने से इनकार कर दिया है कि क्या वह अपमानित एफटीएक्स फाउंडर और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्रीड द्वारा प्रेसिडेंट जो बाइडेन को किए गए किसी भी पॉलिटिकल डोनेशंस को वापस कर देगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करीन जॉन पियर ने मंगलवार को कहा कि वह इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगा कि क्या दूसरे इलेक्टेड ऑफिशियल्स को सेम डोनेशंस वापस करना चाहिए। बैंकमैन-फ्रीड द्वारा किए गए पॉलिटिकल डोनेशंस में लाखों डॉलर की स्टेटस के बारे में सवालों के जवाब में संभावित रूप से चुराए गए कस्टमर फंड्स के साथ मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉन पियर ने कहा कि हैश एक्ट 1939 के चलते ना तो वो इस पर टिप्पणी कर सकती हैं और ना ही प्रेसिडेंट के विचारों को व्यक्त कर सकती हैं। हैश एक्ट प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट द्वारा साइंड मुख्य रूप से नॉन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव ब्रांच के एम्प्लॉयज को खुले तौर पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने से रोकने के लिए है। कानून के सबसे स्पष्ट उल्लंघनों में पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का समर्थन करने वाली फेडरल एजेंसीज के प्रमुख शामिल हैं या खुद पॉलिटिकल ऑफिस चलाने का प्रयास किया गया है। विशेष रूप से प्रेसिडेंट को हैश एक्ट से पूरी तरह से छूट दी गई है, जैसे कि हैश एक्ट है क्योंकि दोनों पॉलिटिशियन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जो नियमित रूप से कैंडिडेट्स का समर्थन करते हैं और पार्टिसन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। बैंको सेंट्रल डो ब्राजील के प्रेसिडेंट रॉबर्टो कैंपोस नीतो ने हाल ही में घोषणा की कि सेंट्रल बैंक 2024 तक एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का इरादा रखता है। कैंपोस नीतो ने डिजिटल दुनिया में डेटा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन पर हाल ही में एक सेमिनार में घोषणा की है। प्रेसिडेंट नीतो ने के अनुसार पहले कदमों में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सहयोग से चलाए जाने वाला एक पायलट प्रोग्राम शामिल होगा। इसके बाद सीबीडीसी का ब्रॉडर एप्लीकेशन होगा। प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरा मानना है कि समावेश के साथ ये डिजिटाइज पेड इंटीग्रेशन सिस्टम लोगों के फाइनेंशियल डेवलपमेंट और इंक्लूजन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ब्राजील के केंद्रीय बैंक के हेड को भरोसा है कि डिजिटल एसेट और सीबीडीसी की शुरुआत से अन्य चीजों के अलावा ज्यादा इंक्लूजन, लोअर कॉस्ट और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट होगा। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने मंगलवार को मेटावर्स पर केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का एक्सपीरियंस कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म BLR मेटापोर्ट के पहले फेज के लॉन्च की घोषणा की है। मेटावर्स एक शेयर्ड वर्चुअल स्पेस है जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए हाइपर रियलिस्टिक, इमर्सिव और इंटरैक्टिव है। Amazon वेब सर्विसेज और पॉलीगॉन की कोलैबोरेशन से बिल्ट BLR मेटापोर्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नए लॉन्च किए गए T2 का इमर्सिव 3-डायमेंशनल वर्चुअल एक्सपीरियंस ऑफर करता है। इंटरेस्टेड ट्रैवलर्स और पब्लिक साइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं और अपने फोन या दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल करके वर्चुअली टूर और नए टर्मिनल को नेविगेट कर सकते हैं। BIAL के एक बयान के अनुसार एक 3D इंटरफेस कस्टमर्स को एयरपोर्ट के साथ इंटरैक्ट करने के नए तरीके, जैसे कि फ्लाइट्स में चेकिंग टर्मिनल्स पर नेविगेट करना, शॉपिंग और दूसरे ट्रैवलर्स के साथ जुड़ने जैसे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफर करेगा। इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस रिसर्चर यूस्विच की एक नई स्टडी में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड, ब्रॉडबैंड पैकेज प्राइसेस, ब्लॉकचेन फाइनेंशियल स्टार्टअप के नंबर और हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स की प्राइस के कॉम्बिनेशन को देखा गया है, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि किन देशों में मेटावर्स को अपनाने की क्षमता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को पूरी करने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर नेदरलैंड्स है। स्टडी के अनुसार नेदरलैंड्स में 106.51 Mbps की हाईएस्ट एवरेज फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड है। देश ने पिछले साल पर कैपिटा हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स का लगभग $6,000 प्रोड्यूस किया है। एक अलग सर्वे के मुताबिक नेदरलैंड्स कंज्यूमर स्टैंडपॉइंट से मेटावर्स इंटरेस्ट में भी नंबर 1 स्थान पर है। नेदरलैंड्स के बाद स्विट्जरलैंड, लिथुआनिया, माल्टा और फ्रांस है। टॉप 5 स्पेसेस में सभी देश उभरते हुए वेब 3 स्पेस में इंटरेस्ट दिखाने के लिए जाने जाते हैं। माल्टा विशेष रूप से एक लंबे समय से क्रिप्टो और ब्लॉकचेन हब रहा है। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका दो मेजर प्लेयर्स मेटावर्स डेवलपमेंट स्पेस में रिस्पेक्टिवली 7वें और 12वें स्थान पर आए हैं।
मेटामास ने अपने सॉफ्टवेयर वॉलेट में एक पेपैल इंटीग्रेशन ऐड किया है, जिससे यूएस यूजर्स सीधे अपने मोबाइल ऐप से इथेरियम खरीद सकते हैं, जबकि ये सुविधा अभी तक सभी यूएस यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। मेटामास का प्लान आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे शुरू करने का है। घोषणा के अनुसार पेपैल इंटीग्रेशन सिर्फ मेटामास मोबाइल ऐप के जरिए अवेलेबल होगा। मेटामास ब्राउजर एक्सटेंशन पहले से ही यूएस यूजर्स को कॉइनबेस पे, ट्रांसैक्ट, मूनपे या वायर के जरिए सीधे अपने वॉलेट से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने की क्षमता प्रदान करता है। मेटामास का नया पेपैल इंटीग्रेशन भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में फ्रिक्शन रिड्यूस करने में मदद कर सकता है, जो क्रिप्टोकरेंसी के लिए नया है। वे एक्सचेंज के जरिए क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के कंबरसम प्रोसेस से बच सकते हैं और सिर्फ सावधानी पूर्वक अपने मेटामास वॉलेट में फंड भेज सकते हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी।